नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि मेरे पास दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए आते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, सेटेलाइट वाली जो आईसी है वो ख़राब हो जाती है। यानी कि ये जो चार स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं इनकी आईसी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है और हीट होने के कारण ख़राब होती है। तो उसका ख़राब होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, होम थिएटर के अंदर दो आईसी लगाई जाती है लेकिन स्पीकर को चार लगा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक आईसी से दो स्पीकर को चलाया जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे 8 ओम के स्पीकर होंगे, हमने दो स्पीकर को कनेक्ट कर दिया तो हमारा स्पीकर पे जो लोड है वो 4 ओम का हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। और अगर हमारे स्पीकर यहाँ पर 4 ओम के हैं और हमने दो स्पीकर एक साथ अगर एक आईसी पे कनेक्ट कर दिए तो वो 2 ओम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 2 ओम के ऊपर हमारी जो आईसी है वो ज़्यादा हीट होती है और इसीलिए हमारे होम थिएटर की जल्दी जल्दी आईसी ख़राब होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं इसके अंदर चला के दिखाता हूँ पहले आपको कि इसके अंदर जो है चारों स्पीकर में देखिए नॉर्मल आवाज़ जो रहती है वैसी है। देखिए ये आवाज़ आ रही है, ये और ये, तो देखिए इस तरीके से इसमें चारों आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इसमें एक आईसी से दो स्पीकर को चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक आईसी से दो स्पीकर को चलाते हैं तो वहाँ पर ओम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और उसके वजह से हमारी आईसी जो ज़्यादा हीट होती है और ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे इसके अंदर आज कि हमारे चार स्पीकर भी चलें और हमारा आईसी हीट भी ना हो और हमारा होम थिएटर जो है बढ़िया तरीके से वर्क करे और आवाज़ के अंदर भी ज़्यादा फर्क ना आए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारी जो है 6 RC लगी हुई है, तो यहाँ पर देखिए जो इसमें ग्रीन वाला वायर है, तो मैं ज़रा इसको पहले पुश कर देता हूँ। अब देखिए जो इसमें ग्रीन वाला वायर है वो ग्राउंडिंग है और जो वाइट और ब्लू वायर है यानी कि जो बैक की साइड में दोनों वायर है वो हमारे पॉजिटिव वायर होते हैं दोनों लेफ्ट और राइट स्पीकर के। तो यहाँ पर देखिए एक स्पीकर पे तो दोनों पे हम लगे रहने देंगे और दूसरी साइड में जो हम लगाएंगे यहाँ पर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं होम थिएटर को जो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जो आपको जो एकदम सही से दिखाई दे, और थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ लगाते समय। अब ये देखिए मैंने जूम कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम कैपेसिटर कौन सा लेंगे, ये देखिए 100 UF 35 वोल्ट और ग्राउंडिंग जो है हम स्पीकर की साइड में रखेंगे। अब देखिए इसको लगाना कैसे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड में जो है हम दोनों जो प्रिंट है उनको हटा लेंगे, ये देखिए, यानी कि एक साइड में हम लगा रहने देंगे, एक साइड से हम हटा लेंगे प्रिंट को क्योंकि दोनों स्पीकर कनेक्ट होते हैं इसमें, तो हम एक साइड से दोनों को हटा लेते हैं। अब देखिए दोनों हटा लिया मैंने और यहाँ पर जो होम थिएटर को मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ये कैपेसिटर है हम कैसे लगाएंगे, ग्राउंडिंग वाला जो पॉइंट है, ये देखिए जो ग्राउंडिंग वाला पॉइंट है वो हम रखेंगे स्पीकर साइड में। तो पहले मैं देखिए इस वाले कैपेसिटर को लगाता हूँ, यानी कि मैंने एक एक चैनल पे जैसे कि इसमें एक चैनल से दो स्पीकर को चला रखा था, तो मैंने यहाँ पर एक चैनल से एक स्पीकर को चलाया और एक स्पीकर को कैपेसिटर के द्वारा कनेक्ट कर दिया है। तो उससे जो है हमारा जो होम थिएटर है वो दो स्पीकर पे भी चलेगा और होम थिएटर जो है आईसी ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और हमारा जो होम थिएटर है वो बढ़िया तरीके से वर्क करता रहेगा। तो पहले मैं देखिए इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया, तो यहाँ पर सोल्डिंग में थोड़ा सही से कर लेता हूँ। तो ये हमारा सोल्डिंग हो गया और इस वाले प्रिंट को जो मैंने हटाया था इसको मैं पॉजिटिव वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया पॉजिटिव वाले पॉइंट पे कनेक्ट, तो ये हमारा पॉजिटिव वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। अब देखिए मैंने दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर, यानी कि एक एक स्पीकर पे सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया और एक एक स्पीकर डायरेक्ट है, और लेकिन आवाज़ के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, आवाज़ हमारी वैसी ही रहेगी जैसे हमारी आवाज़ जो है इसके अंदर पहले थी। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ अब यहाँ पर, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जूम आउट हो गया, स्पीकर को मैं कैमरे को थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ और अब देखिए ये ऑन हो गया। तो ये देखिए ये हमारा देखिए स्पीकर चल रहा है और ये वाला स्पीकर सही चल रहा है और ये वाला स्पीकर जिस पे हमने कैपेसिटर लगाया उस पे थोड़ा सा ट्रेवल ज़्यादा होगा,
लेकिन इससे क्या होगा, हमारा आईसी सेफ रहेगा, आईसी गर्म भी नहीं होगा और बढ़िया वर्क करेगा, चार स्पीकर भी चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। हमने क्या करा है, सिर्फ इन दो चैनलों के ऊपर जो है हमने जो हमारा कैपेसिटर था वो लगा दिया, दो चैनल हमारे डायरेक्ट अब, यानी कि दो चैनल पे हमारे कैपेसिटर काम कर रहे हैं, दो चैनल पे हमारे डायरेक्ट हो गया। लेकिन पहले क्या था इसके अंदर कि एक आईसी से ही दो चैनल दो स्पीकर चल रहे थे, तो उससे आईसी ज़्यादा हीट होती थी, ओम्स जो हैं वो कम हो जाते थे। लेकिन कैपेसिटर लगने के बाद जो है वो ओम्स जो हैं कम नहीं होंगे और हमारा जो स्पीकर है वो बढ़िया तरीके से वर्क करता रहेगा और आईसी भी हीट नहीं होगी और हमारे आईसी की लाइफ भी ज़्यादा होगी और हमारा स्पीकर जो बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।